पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। देखो इन्हें, यहाँ सब उदास है। उफ, ये कॉर्पोरेट लाइफ। सनीम, ठीक से बैठो। तो तुमने इससे पहले सिर्फ 3 हफ्ते काम किए हैं। देखिए, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं किराने की दुकान संभालती थी, और सच बता रही हूँ, मैंने वहाँ बहुत टाइम तक काम किया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने सीवी में सब कुछ ऐसे बढ़ा कर लिखते हैं, पर मैंने सब ऑनेस्टी से लिखा है। आप इसकी मॉम हैं? ऊपर वाला इसकी रक्षा करे, बहुत ही हैंडसम है ये, पर उसे यहाँ मत लाना। यहाँ लाएंगी तो सारी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाएंगी और उसे छोड़ेंगे ही नहीं। मेरी बेटी है, काफी सुंदर भी है। मैं कैसे समझती, उसके होंठों के ऊपर बाल भी है। वैसे हो भी सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सनम चुप रहो। मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद जाएंगे। कॉफी चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात, मिस अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जे जे हाँ। शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते, अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती। मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है, पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉइज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनके लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी, कौन है वो, कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ, मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है, पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना, मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ, हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनम। सनम, मेरा नाम है सनम। सनम, आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई, मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए, कितनी बार एक्टिंग भी की, तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। कम इन। मिस्टर जान, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो, और करोगे खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है, इस पर कोई दाग लग सकता है, मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली मैं, हाँ एक काम तो है, ए पर एक फाइल रखी थी। हाँ यही वाली थी, क्या तुम इसकी फोटो कॉपी करवा सकती हो? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटो कॉपी, लेकिन क्यों?
मुझे ये करना नहीं आता, शायद अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया, तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है, आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है। तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पर रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है। कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे, और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it. अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी। हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। Yerdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Yerdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la. सनम, क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर जॉन, हाँ 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 ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बस वो मीटिंग मिस नहीं करना चाहती थी। हाँ, वैसे कंपनी मीटिंग है, जनरल मीटिंग नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। रियली? हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे जाना चाहिए। तुम श्योर हो ना सब ठीक है? ठीक है ठीक है, थैंक यू। इसमें चाय मेरे लिए है क्या? वैसे तुम पियोगी इसे? नहीं, आप ले लीजिए, थैंक यू। कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं शुरू करूं? अब मैं क्या करूंगी? सबसे टेस्टी कैंडी टेस्ट कर रही हो, ठीक है ना? चलो मेरी तरफ टर्न हो जाओ। चलो खड़े होके अच्छे से पोज दो, और मेरा सजेशन यह है कि तुम उस तरफ देखो।
सुपर। तो ये फोटोशूट शेड्यूल रैप हो गया है, लेट्स बैक अप। ब्रावो। जान वो कैसे गिरी मैंने देखा ही नहीं। आजो आराम से, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे अब गाइस हंसना बंद करो। बेचारी मैं ओके मैं वो स्क्रू ड्राइवर देना प्लीज। ये वाला नहीं, वो क्रॉस पॉइंट वाला है ना। हाँ, यही वाला। मैं ओके मैं वो रेड वाला मांग रहा हूँ। मैं ओके मैं मुझे पाइप रेंच नहीं चाहिए, मुझे तुम वो पाना दो ना पाना होगा। हाँ ये वाला, यही चाहिए था। हाँ मेवकी बे पानी। अब तुम्हें पानी क्यों चाहिए? तुम तो रिपेयर कर रहे हो ना, तो इसमें पानी की क्या जरूरत है बताओ? मेवकी बे पीने के लिए चाहिए पानी, मुझे पानी लाके दो ना, मैं थक गया हूँ। तुमसे नहीं हो पाएगा निहात, तुम अभी के अभी बाहर निकलो वहाँ से। कब से तुम वहाँ घुसे और मुझे भी परेशान कर रखा है, इससे अच्छा तो मैं हलील को बुला लेती। मेवकी बे तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे कामों के लिए किसी भी प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं सब खुद कर लेता हूँ। देखा देखा शायद वाटर कट है, इसका मतलब मुझे ये दीवार तोड़नी पड़ेगी है ना। मैं ये दीवार तोड़ दूंगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब जितना कर लिया उतना काफी है। और नहीं निहात, तुम इन पाइप्स के साथ और कुछ नहीं करोगे। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी जाकर उस एहसान के टुकड़े टुकड़े कर दूं, इससे उसे खत्म कर दूं। बस काटती जाऊं और काटती जाऊं। नहीं नहीं मैं क्यों, तुम शांत हो जाओ प्लीज, मुझे तुम्हारी आंखों और आवाज से बहुत डर लग रहा है। अब चुप हो जाओ, ये छोड़ दो इसे। तुम मत डरो, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तो उस एहसान को डराना चाहती हूँ निहात। ठीक है मैं क्यों, मैं दीवार नहीं तोड़ूंगा, अब तुम शांत हो जाओ। चलो शांत हो जाओ, छोड़ दो इसे। मेरे सर मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अब सारी टेंशन भूल कर आराम से बैठ जाओ, चलो। अब तुम टेंशन मत लो, मैं दीवार नहीं तोड़ूंगा। मेरा सिर। मैं क्यों, वहां पर दो स्क्रू और पड़े होंगे, वो देना।
अच्छा डांस कर लेती हो तुम? हॉबी। हॉबी? एक बात कहूं तुमसे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हो। सनम, आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना कब बंद करोगी? और वैसे भी मुझे इस मोड़ से बाहर आना है। कितना डिफिकल्ट है ये। गॉड प्लीज हेल्प मी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे 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 बॉल को लेते हुए उसी के साथ एक, हाँ बहुत बढ़िया। कौन है? छोड़ो छोड़ो इसे, क्या कर रही है तुम? छोड़ो इसे। मैं गेम को स्टॉप कर रही हूँ। रुको सब। उस्मान तुम आउट हो गए हो, तुम आउट हो गए हो। उस्मान गेम इज ओवर। उस्मान चलो। ये क्या हो रहा है? हमें साथ में कुकी प्रिपरेशन गेम भी खेलना है। उस्मान हो गया है आउट। हमें कपल गेम्स भी खेलना है, तो चलो जल्दी यहाँ से। चलो उस्मान जल्दी। चलो अपने फुटबॉल फ्रेंड्स को बाय बाय कह दो। चलो उस्मान कम ऑन।